बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं करा रहा हूँ, फॉर्मेलिटी हाइट के कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। जी हाँ, बड़े कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे। बड़ी आसान ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। फॉर्मेलिटी हाइट के तब रिएक्शन जब उनका ऐसे रिएक्शन किसी सब्सटेंस से हो जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव हो एक पार्ट नेगेटिव हो। और से देखिए, एक पार्ट पॉजिटिव हो एक पार्ट नेगेटिव हो, क्या मैकेनिज्म होता है? सेकंड एयर के लिहाज से, एफटी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, ये कार्बन के दोनों हाइड्रोजन जुगे टुगे, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की वैलेंसी तो चार पूरी होनी है, यहाँ पूरी हो जाएगी नेगेटिव पार्ट के साथ, और ओ के साथ जो ये जो ए यानी पॉजिटिव पार्ट था ये लग जाएगा। तो मेरे भाई, हम रिएक्शंस का इब्तदा करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड, एच पॉजिटिव सी एन नेगेटिव। तो ये सी एन नेगेटिव को अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला यहाँ कार्बन के साथ लगना चाहिए। लगा भाई, लग गया, एच पॉजिटिव लगेगा वो, एच लग गया, ये प्रोडक्ट बनी है साइनो हाइड्राइन। अब एक और रिएक्शन करते हैं, ये कौन है भाई? एच एन, एन एच थ्री भी है और ओ एच भी, एन एच टू ओ एच। अब एक्चुअली इसके थोड़ा सा ये यहाँ बच्चे फंसते हैं, इसमें आप ये बात जहन में बता लो कि जो असल मेरा पॉजिटिव पार्ट है वो खाली एच है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ लगेगा? ओ के साथ हमेशा ये लगेगा ओ एच, और पूरा नेगेटिव पार्ट ये हो गया एन एच टू ओ नेगेटिव। अब डायरेक्ट कार्बन की वैलेंसी तो नाइट्रोजन के संदर्भ में है, बट नाइट्रोजन की भी तो तीन वैलेंसी पूरी होनी है ना भाई, कार्बन की तो एक ही वैलेंसी बची थी, तो आखिरकार ये वैलेंसी सिल कैसे होगी? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब भी लगाने हो और वैलेंसी दो बची हो, तो इस ट्रिक को याद रखना कि एक साइड पर एक एच लगा दो और दूसरी साइड पर ओ एच लगा दो। सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा इससे जहन में रखना, कभी गलती नहीं होगी। और कुछ? बिल्कुल जी, ये प्रोडक्ट है अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली बात है इस प्रोडक्ट को अभी ब्रेकअप होना है। अब कैसे ब्रेकअप होना होता है ये मैं बता रहा हूँ, ये एच पॉजिटिव और ये ओ एच आपस में अलग हो जाएंगे वाटर में डालेंगे। इसका मतलब है कि अब ये जो डबल बॉन्डिंग का मामला था यहाँ से वो ब्रेकअप हो जाएगा, और कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अब डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बॉन्ड पूरा हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बननी है उसके अंदर हमारा यहाँ का ओ एच नेगेटिव और ये एच हट जाएंगे, और ये हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह की बन जाएगी। कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन तो रहेंगे, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन। एक और रिएक्शन जो फॉर्मेल्डिहाइड का आता है वो इसके साथ C2H5OH, सबको पता है इथाइल अल्कोहल होता है, ये रिएक्शन कैसे होता है? जो OH है ये नेगेटिव पार्ट के तौर पे यूज होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा होगा फॉर्मेल्डिहाइड के एक तरफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, इधर अलबत्ता क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट, और ओ के साथ ए लग जाएगा हमारा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो कि C2H5 होता है। ये प्रोडक्ट बनी है हेमी एसिटल, इसी में एक बार C2H5OH और मिला दो, C2H5OH और मिला दो, क्या होगा? ये OH यहाँ के H को लेके अलग हो जाएगा H2 और C2H5 अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाती है एसिटल। तो अब इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आने लगे हैं, पहले ये नहीं आते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। थैंक्स अल्लाह।